नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो हम कवर करेंगे आप कैसे जीरोदा में कस्टम टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली जो भी टाइम फ्रेम था जीरोदा का वो डिफॉल्ट था, जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। लेकिन अभी उसका लेटेस्ट फीचर में आप यहाँ पे 7 मिनट 9 मिनट 13 मिनट ये सब टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं डिटेल्स में आज की वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। आपके स्क्रीन के सामने जो चैटिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है जीरोदा का। आप लॉग इन करने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा। उसके बाद देखिए राइट साइड टॉप में यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल का। आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही माई प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, एंड सेटिंग के नीचे चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। एंड चार्ट के अंडर देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन शो करेगा, चार्ट IQ 7, चार्ट IQ 8 बीटा एंड ट्रेडिंग व्यू। लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है चार्ट IQ 8, जो कि उसका लेटेस्ट वर्सन है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ चार्ट IQ 8। अगर आप चार्ट IQ 8 आपके डिफॉल्ट में नहीं होगा, आप कॉस्ट टाइम फ्रेम को यूज नहीं कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका डिफॉल्ट चार्ट सेटिंग चार्ट IQ 8 बीटा होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी इंडेक्स नहीं तो स्टॉक का चार्ट ओपन करना है। अभी मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का। यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेने के बाद देखिए अभी चार्ट IQ 8 बीटा वर्सन का चार्ट जीरोदा में ओपन हो गया है। उसके बाद देखिए टॉप में यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम का। देखिए प्रीवियसली ये सब डिफॉल्ट था, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन आप यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कस्टम कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो 9 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। डन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 9 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 11 मिनट का, तो यहाँ पे इंटरवल आप 11 मिनट कर लीजिएगा। डन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो जीरोदा का जो लेटेस्ट फीचर में आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।